स्टेशन बंद हो सकता है। आपको बताते हैं कि डीआरएम रेलवे ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि राजामंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बन रहे चामुंडा देवी मंदिर को अगर वहां से नहीं हटाया गया तो यात्रियों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजामंडी स्टेशन बंद किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मां चामुंडा देवी का मंदिर बना हुआ है। स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित ये मंदिर यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान का कारण बनता है। आपको बता दें कि साथ ही रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम करता है। डीआरएम आनंद स्वरूप ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पत्र को ट्वीट करते हुए दी है। तो हिंदू संगठनों में मंदिर हटाने को लेकर आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। चामुंडा देवी मंदिर को हटाने का मामला लगातार अब गर्माता जा रहा है। मंदिर हटाने को लेकर पहले नोटिस भी जारी किया गया था। हमें मंदिर हटाने से न मतलब है, हम तो पूजा सेवा करते हैं, वहाँ जो भी प्रबंध सेवा समिति व्यवस्था देती है, आम पब्लिक वहाँ दर्शन करने आती है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, कोई भी शासन या प्रशासन करते हैं, तो हम पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं और मीडिया में पेपर में निकाल चुके हैं कि स्थिति इसकी भयावह हो सकती है। ये कोई गली कूचे का मंदिर नहीं है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पंजाब के तर्ज पे आंदोलन न चला जाए। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, पहले उसे देखें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई भी कदम उठाएं, ठीक है? ये हमारा आग्रह और निवेदन है, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं। अगर इनको विकास करना है कि भाई नहीं हमको और बड़ा करना है तो बिल्लो चुपराम बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, ये वहाँ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये उठती है कि खाली मंदिर को ही नोटिस क्यों? इससे ये पता लगता है कोई न कोई अधिकारी हिंदू विरोधी मानसिकता का बैठा हुआ है या डीआरएम ऑफिस में, जो सिर्फ हिंदू मंदिर को टारगेट बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं कहता हूं देश के अंदर निजामुद्दीन पर सबसे बड़ी मजार बनी हुई है, कलकत्ता में हावड़ा पे मजार बनी हुई है, आगरा कैंट पे यहीं पे कई मजार बनी हुई है, राजामंडी से आगे थोड़ा और लगाएंगे तो वहां पे भी मजार बनी हुई है, कानपुर में बीच और पे मजार बनी हुई है, वहां इलाहाबाद में मजार बनी हुई है। तो रेलवे को क्या ये मंदिर ही दिखाई देते हैं? ये मजारे मजार मजार नहीं दिखाई देती? हमारे साथ सहयोगी रिंकी जुड़ चुकी है। रिंकी, चामुंडा देवी मंदिर को हटाने का जो मामला है वो लगातार अब गर्माता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है रिंकी? को बता दें, इस समय हम मौजूद है चामुंडा मंदिर पे। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो डीआरएम के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, ये वही नोटिस है, ये सामने लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, ये वही नोटिस है जो इन्होंने लगाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे मस्जिद है, तो मस्जिद में नोटिस क्यों नहीं लगाया गया है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि करोड़ों भक्तों की आस्था का स्थल है और ये राजामंडी से पुराना 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जिसको अब हटाने की मांग की जा रही है। ये स्टेशन बाद में है, मंदिर पहले है। आइए हम दिखाते आपको, मंदिर के अंदर जाके दिखाते हैं किस तरीके से ये मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ है। इसी बात को लेके ये पूरा यहाँ का सब लोग जो निवासी है, जो यहाँ के महंत है, वो इस बात मुद्दे को लेकर गरमाई हुए हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अगर उनको तोड़ना, ये जो लाइन निकली हुई है वहां पे आने जाने की दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ था तो रेलवे स्टेशन बाद में बना है जो कि मंदिर पहले से स्थित है। सवाल ये भी उठता है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये चामुंडा मंदिर है, कुछ भक्त भी है यहाँ पे। हम आप मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, आप यहाँ पूजा करने आती है, अब इस मंदिर को हटाने की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो ये है कि क्यों हटाना चाहिए? यहाँ पे इतनी पूजा पाठ होती है, इतने भक्त आते हैं यहाँ, इतनी मान्यता है इस मंदिर की, तो ये नहीं हटना चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि बगल में स्टेशन है और उसको जो यात्री है उनको प्रॉब्लम होती है। स्टेशन तो काफी टाइम से है। अच्छा, तो आप क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? हाँ जी, अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के गहलोत जो है वहाँ के राजस्थान के, जैसे उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया था, अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में मंदिर पे हमला बोला जा रहा है। लेकिन सभी का कहना यह है कि थोड़ा सा दूर चल के यहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद पे नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया है? आगरा के डीआरएम ने नोटिस जारी करके ट्वीट करके ये कहा गया है कि अगर ये मंदिर नहीं हटता है तो राजामंडी स्टेशन बंद कर दिया जाएगा और उसको यहाँ से उठा के बिल्लोचपुरा एक स्टेशन है छोटा, जहाँ पे अभी कोई ट्रेन रुकती नहीं है, वहां पे ये शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर नहीं उठता। लेकिन यहाँ के सभी का कहना है कि अगर मंदिर यहाँ से टूटता कुछ होता है तो ये क्रांतिकारी में बदल जाएगा, यहाँ पे बहुत कर्रा बवाल होने की संभावना हो सकती है, ये पंजाब सरकार जो बदल जाएगा, जो यहाँ पे लोग यहाँ अपने, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये चामुंडा मंदिर है, आपको हम अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर की तस्वीर कि इस मंदिर को हटाने की बात चल रही है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे महंत भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, महंत जी से बात करना चाहेंगे कि ये यही वो मंदिर है, देखिए ये चामुंडा का मंदिर है,
लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था का मंदिर है और महंत जी हमारे साथ है। महंत जी क्या कहना चाहेंगे, ये मंदिर हटाने का मामला सामने आ रहा है, डीआरएम ने नोटिस जारी किया है मंदिर में, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हटाना ना हटाना तो ये तो मैं ठीक है, इसे हटना है या नहीं हटना, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे जब से हम आए हैं हमने सुना है लगभग 22 सालों से हम सेवा कर रहे हैं, ऐसी आस्था रखी है या इसके पर जिसने भी किया है, जीता जागता जौहरी तो कुछ समय पहले की बात है, 2-4 साल रेलवे का ही जौहरी था, तो हमें नहीं कहना चाहिए आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो 15 दिन के अंदर जे कोई। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे ये कोई गली कूचे का मंदिर नहीं है, रेलवे प्रशासन को या लोकल प्रशासन को बैठ करके बात करके इस समस्या का हल निकालना